तो मतलब क्या है मूर्ति के पीछे नंद के भाई ये जो हाथी ये दौलत का प्रतीक है गजलक्ष्मी हेल्थ इज वेल्थ तो सिंह रहा शक्ति दुर्गा जी का सवारी मतलब ये रहा दौलत और रहा ताकत सर आदमी के पास दौलत और ताकत होने से आदमी कुछ भी कर सकता है और वो दौलत ताकत को लेके अगर कोई गर्व और अहंकार करता है अहंकारी और घमंडी आदमी का नाश ऐसा ही होता है। मंदिर सामने यह मूर्ति को दिखाने का मतलब यह है कि मंदिर आने से पहले हम लोगों के दिल में जो गर्व जो अहंकार है ये सबको मंदिर का बाहर छोड़ के अंदर आना चाहिए तब हम लोगों को भगवान का आशीर्वाद मिलेगा। इसलिए स्वयं दो मूर्ति दोनों बजने लगी हुई है। आइए थोड़ा सा कहानी सुनिए सूर्य मंदिर ये बना हुआ था सन 1250 में गंगावंश का राजा नरसिंहदेव चंद्रभागा नदी के किनारे में ये मंदिर को सूर्य पूजा के लिए बनाया था। कलिंगा उस जमाने का उड़ीसा का नाम था और कलिंगा का बड़ा स्थल का रेवेन्यू 40 करोड़ स्वर्णमुद्र इन्होंने खर्च किया था। मंदिर का टोटल एरिया 12 एकड़। यहाँ अभी आप लोगों ने 4 मंदिर देखिएगा। पहला देखिएगा डांसिंग हॉल, ये नाट्य मंदिर है वो जो खड़ा हुआ है प्रार्थना मंदिर है। चौथा देखिएगा सूर्य देव का पत्नी छाया देवी की मंदिर मतलब डांसिंग हॉल प्रेयर हॉल मेन टेम्पल छाया देवी के टेम्पल। तो कोणार्क का जो मेन टेम्पल वो था 227 फीट हाइट और वो मंदिर जो मैगनेट लगा हुआ था जिसका काम था ये चारों मंदिरों को बैलेंस करना। अंग्रेजों से पहले पोर्टुगीज व्यापार करने के लिए आए हुए थे उन लोगों ने जो बंगाल की खाड़ी में जाना ना करते थे ये जो मैगनेट गया।